पहले तो हम पापा से जानते हैं कि कल रात को पापा लोगों के साथ क्या हुआ और भयंकर स्थिति हो गई हमारे साथ। ये देख सकते हैं दोनों बहनें। तो मम्मी पहले बताओ, आप बताओ कि ये कौन सी बहन है आपकी, हमारे व्यूअर्स को तभी पता चलेगा। जितना पेट में जाएगा उतना ही तो खाऊंगी, इंसान हूँ मैं, कोई वो थोड़ी हूं। अच्छा, हम तो भैंस है ना। मम्मी आपको सुना रही है काफी लड़ाई हो गई इनकी। अब मेरे व्यूअर्स भी बोर हो रहे हैं। हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राहुल कुरियाल में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो अभी जाओ और सब्सक्राइब करो। तो आज दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज है संडे। मैं हो चुकी हूँ नहा धो के रेडी। तो सबसे पहले चलते हैं छत में और देखते हैं सूर्य को जल। पहले तो हम पापा से जानते हैं कि कल रात को पापा लोगों के साथ क्या हुआ। और भयंकर स्थिति हो गई हमारे साथ, बहुत बुरी ढंग से। हम यहाँ से ऋषिकेश जा रहे थे और ऋषिकेश में कोई अर्जेंट काम था, कोई में साहब में हो गई थी, इस वजह से हम वहाँ जा रहे थे। लेकिन रात को इतनी भीड़ थी, हम यहाँ से 10 बजे से बस अड्डे में और सुबह तक 4 बजे वापस घर आ गए। तो कितने लोग रहे होंगे पापा? कम से कम 10,000 लोग होंगे। पूरा ग्राउंड भरा हुआ था बस अड्डे का पूरा, और जो बस आए उसके पीछे ऐसे भाग रहे लोग, बिल्कुल पागल हो रखे थे। ये मतलब मेरे को लग रहा है 3-4 दिन की लोगों की छुट्टियां पड़ी है ना, छुट्टी पड़ रखी है, सारे ऋषिकेश हटा जा रहे हैं। तो आजकल ऋषिकेश जाना था तो वापस पूरी रात भर वहीं रहे, इधर उधर बसों के पीछे भागते रहे, फिर सुबह को आउट हो गया, फिर वापस आना पड़ गया। मतलब जा नहीं पाए, तो आप सोच सकते हैं कि लोगों का कितना क्रेज बढ़ गया ऋषिकेश जाने के लिए। बहुत बुरा हाल था इस समय। इस समय तो हम तो कल इतने बुरे फंसे, अच्छा चक्कर वक्कर आ रहे थे वहाँ, है ना, चक्कर आ रहे थे, लोग ऐसे पड़े हुए थे। माँ के भी मैंने देखा पैर सूज गए, घबराहट हो रही सबको, और यहाँ से उधर भागो, बस जो भी बस आ रही, चाहे वो हरियाणा की आ रही उसी के पीछे बैठ भाग रहे। लोगों को हो रहा था पहुँच जाए हम उत्तराखंड बस। तो हम तो कम से कम 20 किलोमीटर घूमते रहे, इधर उधर, यहाँ भागो उधर दौड़ो इधर आओ, फिर मिले नहीं बसे, बाहर बस अड्डे से भी बाहर गए, बाहर से फिर अंदर आए, फिर बाहर, इधर बहुत बुरा हाल था। तो सैटरडे संडे निकलने से पहले जो भी उत्तराखंड जाने को सोच रहे तो ये ध्यान रखे कि ऑनलाइन बुकिंग करवा के जाए। कैसे अभी तो पहले गए थे, 10 दिन पहले गए थे तो खाली थी, खाली था। अब की बार तो इतनी भीड़ हो गई, तो छुट्टियां पड़ गई, छुट्टी की वजह से लोग सारे जाते हैं हरिद्वार से। और गए तो पापा लोग 2 थे और आए हैं 3, तो तीसरा कौन है वो अभी हम आपको मिलवाएंगे उनसे थोड़ी देर में। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पितरों के लिए बन रही है तोरी की सब्जी और अभी हम दाल भी चढ़ाएंगे और साथ ही सेवियां। हेलो एवरीवन, मेरा कान का दर्द थोड़ा सा सही है, पूरी तरह से सही नहीं बोलूंगा क्योंकि कान में अभी भी पानी हल्का हल्का कभी बहता है दिन में, बट पहले दिनों से तो बहुत सही है। तो आज मैं आपको मिलवाऊंगा किसी खास मेहमान से जो आए हैं हमारे घर और अभी नीचे हैं, वो वेट कर रहे हैं, तो मैं भी जाता हूँ उनसे मिलवाता हूँ आपको। नीचे देखते हैं कि नाश्ते की क्या क्या तैयारी हो रही है आज और खाने की क्या क्या तैयारी होगी। आज का पूरा दिन आपको दिखाएंगे कि उन मेहमान के साथ कैसा जाता है हमारा और क्या क्या हम करते हैं घर में, वो भी आपको बताएंगे। तो आप लोग बने रहे हमारे साथ और पूरे व्लॉग को एंड तक एंजॉय करें। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ, आज मेरे छोटे दादाजी का श्राद्ध है, तो पापा वहीं गए हैं, अभी नीचे ही हैं, अपने चाचा जी को तर्पण देने के लिए गए हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ देख सकते हैं पापा आ गए हैं नीचे मंदिर में, क्योंकि आज है मेरे छोटे दादाजी का श्राद्ध। और मैं बताना चाहूँगा, छोटे दादाजी अभी 2021 में एक्सपायर हुए थे, तो ये देख सकते हैं श्राद्धों में, जैसे आप सभी को पता है कि पितरों के लिए खाना बनाया जाता है, तो आज का खाना थोड़ा सा स्पेशल रहता है, जिसमें मीठा भी होता है, दही सब्जी पूरी। तो ये जला दिया पापा ने दिया, तो सबसे पहले की जाएगी गणेश जी की पूजा। श्राद्ध है और उनको हम आह्वान करते हैं, पितृ देवताओं का आह्वान कर रहे हैं कि मेरे घर में आना, हमें अपना आशीर्वाद देना जो, और हमसे जो कोई गलती होगी उसको क्षमा करना। आपसे मनोकामना है कि ये पितृदेव हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो एक पूरी के ऊपर सब पूरा खाना रख दिया है और अलग से निकाल दिया है, जिसको हम गाय को खिलाएंगे।
तो पापा चाचा जी हैं जो आपके, आप उनसे बहुत कनेक्टेड थे हैं? बहुत कनेक्टेड थे, क्योंकि आपका जो मतलब करियर शुरू, हमारा सारा करियर छपता था, हमारा दोनों भाइयों को बहुत अच्छा प्रेम था। हाँ, दोनों दादाजी पहले यही होता था गांव में, तो दोनों दादाजी आपस में बहुत प्रेम थे, बहुत ही ज्यादा, और इनकी सबके दया दृष्टि बनी रही हमारे चाचा जी की, सबके ऊपर, बच्चों के ऊपर बिल्कुल अपने बच्चों जैसे व्यवहार था, कोई किसी में भेदभाव नहीं था, और अभी भी हमारा संयुक्त परिवार है और एक ही साथ रहते थे, एक ही साथ काम करते थे, सब कुछ, अभी भी सारे भाई हम आपस में प्यार प्रेम से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यही सीख इन लोगों ने दी हमें, हमारे पिता ने दी थी, ये सीख इनसे हमें मिली है, आगे तो क्या पता क्या होता है, पर लेकिन अभी तक हम तक यही सीख है कि हम इनके कदमों पर चले जो इन्होंने हमें गाइड किया कि आपस में प्यार प्रेम से रहना। ये मिश्रो होता है यहाँ पर, जिसमें फल होते हैं, राशन होता है, ये ब्राह्मणों को दान किया जाता है। गाइस हम लोग आ चुके हैं ऊपर दर्पण देके, यहाँ पर देख सकते हैं नाश्ते की तैयारी हो रही है, और किसी खास बंदे के लिए तैयारी हो रही है नाश्ते की, और ये देखिए ये है वो खास, मेरी मौसी आई है। नमस्ते मौसी। नमस्ते बाबू। ये देख सकते हैं दोनों बहने। तो मम्मी पहले बताओ, आप बताओ कि ये कौन सी बहन है आपकी, हमारे व्यूअर्स को तभी पता चलेगा। ये मेरे ताऊ जी की लड़की है। हाँ। और हम दोनों बहनें दिल्ली में ही रहते हैं। आज हम ऋषिकेश जा रहे थे कल रात को, तो ऋषिकेश जाने का तो वहाँ बस अड्डे में इतनी भीड़ थी कि हम 11 बजे के गए हुए, सुबह 5 बजे फिर हमें ऑटो करके घर आना पड़ा, क्योंकि अगर हम दिन में भी रुकते तो हमारा 10-11 बजे से पहले नंबर नहीं आना। अच्छा। और मेरी जो मौसी है, हमें बताना चाहूंगा, बहुत ही हंसमुख है। तो मौसी बोलती कम है, तो मौसी बताओ आप, आज कैसे आना हो गया? फिर गलती से आना हो गया मौसी का यहाँ। कितने टाइम से बुला रहे थे मौसी को, पर मौसी का आना हो नहीं पा रहा था, तो इसी बहाने तो आज बस नहीं मिली। तो आज मम्मी कुछ ज्यादा ही खुश हो जाती है अपनी बहनों के आने पे। मम्मी आपको कैसा लग रहा है? जब तुम इकट्ठे होते भाई बहन, तुम खुश नहीं होते? तो ऐसे तो मम्मी भी खुश होती जब मम्मी की बहनें आती। मौसी के हाथ का खाना बहुत टेस्टी होता है, जब मौसी का हाथों का अचार इतना मस्त होता है ना। बट काफी टाइम हो गया मौसी ने कुछ बना के खिलाया नहीं है। मौसी सोच रही है, अच्छा बेटा मैं तुम्हारी शादी वादी करवा के अब यहाँ खाना बनाने मैं आऊँ, इसलिए करवाइए तुम्हारी शादी। आज मौसी ने सुबह 5 बजे आते यही बोला कि आज मैं बनाऊंगी, तुम कुछ मत करना। लेकिन वो भी, वो मौसी ने सिर्फ बोला ही है। मौसी के लिए आलू के पराठे है, रायता है, तोरी की सब्जी है, दिन में दाल मखनी है, और फिर शाम को जो मौसी बोलेंगी वो बना देंगे। अच्छा, दिन में दाल मखनी भी बनाई है? बन रही है अभी, इन प्रोसेस है। इन प्रोसेस है, आपके चक्कर में हमें भी दाल मखनी खाने को मिल जाएगी आज। करते हैं मौसी जल्दी से आपके लिए नाश्ते की तैयारी। भाभी और अनुज ने कर लिया, बाकी अब हम सब बैठ के करेंगे नाश्ता। तो अब मौसी टेस्ट कर रही है, और मौसी टेस्ट करके बताएगी कि बहू पास है? पास है, और बहू को पास कर दिया। दिव्या तेरा आलू पराठा तो हो गया पास। मौसी वैसे भी नहीं फेल करेगी। और गाइस देख सकते हैं यहाँ मम्मी ने भी खाना शुरू कर लिया, और मम्मी जो है वो रोटी खाती है, पराठे कम खाती है, क्योंकि मम्मी को हो जाती है वरना गैस की दिक्कत, ऐसे करती रहती है। और मेरी मौसी बिल्कुल फिट एकदम, अभी भी कोई गैस नहीं, कोई कुछ नहीं, जितना मर्जी घी मक्खन खिलाओ भाई, ऐसी होनी चाहिए। हमारा बुढ़ापा भी ऐसा जान चाहिए, बिल्कुल शरीर ऐसा ही एकदम, बूढ़ी नहीं है वैसे मेरी मौसी, हाँ अभी तो अभी जवान ही है, 28 साल का कौन होता है बूढ़ा। ये देख, 8 साल अपने से भी छोटा कर दिया। और सबको खाना खिलाने के बाद दिव्या भी बैठ चुकी है खाने के लिए। और राहुल ने बोला था अभी थोड़ी देर पहले, राहुल ने बोला था मैं दिव्या के साथ खाऊंगा, जब मौसी ने बोला था कि फिर मैं तेरा काम नहीं बढ़ाना चाहता था ना, मैंने कहा यार तू बना भी रही है, फिर तू दाल, तू पिछले व्लॉग में बोला था मैं दिव्या के साथ खाऊंगा, और एक व्लॉग के अंदर ही वो बात झूठी साबित कर, कोई व्लॉग देख लो। और गाइस ये देखना, इसको कोई बोलो, हम तीन तीन खिलाते हैं, खुद एक पराठा खाती है, तो ऐसे बनेगी तेरी सेहत, तू भी 2 से 3 खाना शुरू कर दे, ठीक है? जितना पेट में जाएगा उतना ही तो खाऊंगी, इंसान हूँ मैं, कोई वो थोड़ी हूं। अच्छा, हम तो भैंस है ना। मम्मी आपको सुना रही है, मम्मी आपको सुना रही है, जब मुझे 2 की भूख होती है मैं 2 खाऊंगी, मुझे जैसे 4 की भूख होगी मैं 4, वो तो दिन ही बसा नहीं कमाएगा तेरे को 4 की भूख।
तो गाइज आज दिव्या ने फर्स्ट टाइम दाल मखनी बनाई है, जैसा हमने आपको दिखाया था सुबह दिव्या प्रिपरेशन कर रही थी। तो अनुज कैसी बनी है? मैं बताना चाहूंगा जैसे हल्दीराम में मिलती है दाल मखनी, जा ओ ओ बहुत अच्छा टेस्ट है। मतलब फेंकने वाली बात नहीं है, मतलब स्वाद जो होता है ना मुंह में मेरे, मैं तो इतनी जगह की दाल मखनी खाई है, दाल मखनी हर कोई परफेक्ट नहीं बनाता और इसमें लहसुन भी आज नहीं है सबसे बात। हाँ तो दाल मखनी में वैसे भी नहीं डलता, और दाल मखनी की जो क्या बोलूँ बहुत टेस्टी बनी है। आ रहे वो बटरी स्वाद आ रहे, सब आ रहे। अब चीफ गेस्ट से पूछते हैं कैसी है। बहुत स्वाद बोलती मेरी मौसी ना, किसी का दिल नहीं तोड़ती। इसका असली टेस्ट मैं ही करके बता सकता हूँ इसको, है ना। तो गाइस यहाँ दिव्या ने भी खा लिया। दिव्या कैसा लगा, तू अपने मुंह से अपनी तारीफ करना चाहेगी आज? ठीक थी, जितनी तुमने करी उतनी तो नहीं करी मैंने, मुझे तो सही लगा। कैसी बनाई आज दिव्या ने पहली बार दाल मखनी बनाई, आपको लगा कि पहली बार बनाई? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पुराना हलवाई है ये मेरा, ये पिछले जन्म का हलवाई ले आई मैं, इतनी स्वाद बनाई थी। तो गाइस ये देख सकते हो आप, आपने सुना ही होगा बस तन्नु की मौसी के बारे में। तो ये है तन्नु की मौसी हमारी विजय दीदी, और ये अब हमारे घर के पास ही आ गई हैं। पहले बहुत ढूंढती जोधपुर थी पहले ये, और अब ये यहीं आ गई हैं दिल्ली। और ये खास किस वजह से आई, इनसे पूछेंगे। खास मैं राहुल को देखने के लिए आई हूँ यहाँ पे, क्योंकि उसके कान में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैं चाहती थी कि मैं उसको देख के आऊँ वहाँ पे कि उसका कान कैसा है, इसीलिए खास मेरे खास मैं राहुल के लिए आई हूँ यहाँ पे। और गाइस ये दिव्या के हाथ में आप कुछ देख रहे हो, ये है मिठाई का डब्बा जो कि विजय मौसी लाई है अपनी तरफ से हमारे लिए। और यहाँ मम्मी से तो ऐसे ही मिलना हो रहा है, खास तो मेरे लिए आई है, बोल दिया है। एक साल इसको दिल्ली चावला में आई हुई होगी, लेकिन जब तक छह बार ताने ना सुनाए ना, तब तक ये लड़की जून में आई मैं, अभी बोला अभी मेरे को बोल रहे थे, अब जब तक इसको छह क्या 10 बार दानियल ने सुनाई तब तक ये लड़की आती नहीं। वैसे कहती मेरी दीदी बढ़िया नहीं तो है, ये नहीं कि पहले तो आना चाहिए था, सामान उतरवाया हूँ, खाना ले जाऊं भाई, कि किचन लगा कि नहीं लगा इनका, वही गैस कनेक्शन नहीं लगा है, बताओ तो पता हुआ तो मुझे, तो मैं तब बैठी है ना यहाँ चलती फिरती आ गई है, जब वहाँ से सामान लगा के आ गई तब बता। हाँ तो दूसरे दिन भेजना चाहिए था ना, गैस कनेक्शन ही नहीं था हमारे पास में, बताओ तो वो खाना खाने इधर आ जाता, उतनी दूर से भैया आती खाना खाने के लिए, आपको आना चाहिए था ना वेलकम करने के लिए वहाँ। दाव उल्टा पड़ गया दाव माँ का। नहीं दी, अच्छा बताओ दीदी के शहर में मैं आई हूँ ना, मेरे शहर में अगर दीदी आती देहरादून में तो मैं आगे पीछे घूमती रहती हूँ वहाँ पे कि दीदी आई है भाई, अब मेरे को टिफिन लेके जाना है वहाँ पे, अब दीदी का पता नहीं सामान लगा के आती हूँ भाई। काफी लड़ाई हो गई इनकी, अब मेरे व्यूअर्स भी बोर हो रहे हैं। और गाइस हमें लग रहा था मौसी रुकेगी, आज तो रुकेगी, पर मौसी कह रही है कि काम है जाना पड़ रहा है, तो शाम को ही निकल रही है मौसी। और दिव्या मिल ले चल मौसी से, मैं छोड़ के आता हूँ मौसी को। मौसी फिर से आना रहे, यहीं से जाएगी, फिर से जाना है तो तो। 7-8 दिन रुक के ही जाएंगे। चल तो पैर छू ले यार, धक्का देना धक्का। चलो यार मौसी यार निकलो यार, बहुत बातें हो गई यार, चलो चलो। हाँ यार बहुत टाइम से यहाँ, इतनी देर ड्रामे मत कर, इसीलिए तो तूने पैर ज्यादा झुक के छुए हैं, अब कह रहे मुझे। चलो मौसी, भाभी भी आ गई है, भाभी चलो अलविदा कर दो भाभी मौसी को, और भाभी को पैसे पहले ही मिल चुके हैं मैं बता दूं। गाइस यहाँ मौसी चली गई है, अब दीदी भी जा रही है, और हम अगर मेरा चक्कर लगेगा वहाँ तन्नु के और के घर का तो फिर से मिलवा देंगे इनसे। और यहाँ शाम की खाने की तैयारी भी कर दी है दिव्या ने, आज बना रही है कुंदरू के कुंदरू। आज दिव्या का पूरा दिन किचन में ही निकल गया। और यहाँ भाभी चलो बाय। तो आज थी मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट, देखते हैं कि डॉक्टर ने आज क्या कहा। तो गाइज हम लोग हॉस्पिटल से आ चुके हैं, और डॉक्टर ने बताया है कि मेरे पर्दे में छोटा सा छेद है, वैसे तो वो बोल रहे हैं कि एंटीबायोटिक्स जो उन्होंने दिए उसी से भर जाएगा, एक बार पानी बहना बंद हो जाए तो फिर ज़्यादा जल्दी ठीक हो सकता है फिर मेरा कान, तो बाकी हील वो अपने आप ही होगा उन्होंने बताया, तो देखते हैं क्या होता है आगे। और गाइज ये देखो भाभी बना रही है मेरे लिए रात को भी पराठे, क्योंकि आज जो दाल मखनी बनी है ना उसके साथ मेरा रोटी खाने का मन कर ही नहीं रहा,
तो ये दाल मखनी के साथ, और ये है कुंदरू की सब्जी, तो दिखाई दी। इसके साथ मैं तो खाऊंगा पराठे और ये खा रहे रोटी। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं खाना पीना खा के ऊपर, और आज बहुत अच्छा दिन गुजरा हमारा। तो आशा करते हैं कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय।